हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त खुर्रम काजमी। दोस्तों, कल हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसमें एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर पे PC04 करके डिफेक्ट आ रहा था, तो हम लोगों ने उसकी एनालिसिस करी थी। उसी का ये सेकंड पार्ट है। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें चेक करना चाहिए अगर PC04 इफेक्ट आ रहा है, एरर आ रहा है। तो ये एक ख़ास सर्किट होता है हमारी आउटडोर की PCB में, जो सारे सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, वोल्टेज को डिटेक्ट करता है, कंप्रेसर की स्पीड को, रोटेशन को डिटेक्ट करता है, और कहीं भी एबनॉर्मेलिटी देखता है तो ये PC04 का डिफेक्ट आने लगता है, एरर आने लगता है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। ख़ास तौर से इन्वर्टर में आता है, दूसरी कंपनीज में भी आ सकता है, गोदरेज में भी ये एरर कुछ मॉडल्स में आता है PC04। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एरर आता है तो कई बार ये एरर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अप एंड डाउन से भी आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लाइट बंद कर देंगे, सप्लाई बंद कर देंगे एयर कंडीशनर को, 2 मिनट वेट करके और इसको दोबारा से चालू करेंगे। अगर फिर भी ये एरर आता है PC04, तो हम आगे चलेंगे और ODU PCB के जो तार हैं, वायर हैं, कनेक्टर्स हैं, कनेक्शंस हैं, उन सब को सही करेंगे। एक बार कनेक्शंस निकाल के दोबारा से लगा देंगे। उसमें अगर ब्लैक सा कार्बन आ गया है या फंगस आ गया है, ग्रीन हो गया है वो, तो उन कंडीशन में उसको क्लीन करके दोबारा लगाएंगे। सबको पता है कि राइट में फेस, लेफ्ट में न्यूट्रल और ऊपर अर्थ का होना एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए बहुत ज़रूरी है। अर्थ और न्यूट्रल में कोई सप्लाई नहीं होना चाहिए। अक्सर दिखता है कि 10 वोल्ट आ रहा है, 20 वोल्ट आ रहा है। अर्थ और न्यूट्रल में कोई सप्लाई नहीं होना चाहिए। जो फेस न्यूट्रल सप्लाई दिख रही है 220-230, वही फेस और अर्थ में आना ही चाहिए। और अगर हम फेस कंफर्म कर लेते हैं कि राइट साइड को है, तो लेफ्ट में जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो अर्थ और न्यूट्रल में कंटिन्यूटी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए कि वहाँ पे फेस अवेलेबल नहीं है। तो कनेक्शंस देखेंगे सारे। इसके बाद हम ODU फैन की वर्किंग देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंटिन्यूटी देखेंगे, उसका रेजिस्टेंस देखेंगे, ग्राउंड तो नहीं हो गया है, जाम तो नहीं हो गया है, उसका कैपेसिटर तो नहीं ख़राब हो गया है। बात हो रही है PC04 की, तो ODU फैन हम लोग चेक करेंगे। इसी के साथ साथ कंडेंसर अगर बहुत गंदा है और उसमें से हीट जो है वो निकल नहीं पा रही है, कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या कोई चीज़ सामने रखी हुई है या सक नहीं कर पा रहा है हमारा कंडेंसिंग का जो फैन है, तो भी ये प्रॉब्लम अकर हो सकती है, हमको एरर दिख सकता है। तो कंडेंसर को प्रॉपरली क्लीन करेंगे, हवा का जो मूवमेंट है वो देखेंगे। कंडेंसर हमारा धूप के सामने, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ पे सबसे ज़्यादा लोड है, हमारा कंडेंसर साउथ पे नहीं होना चाहिए। UVW हमको पता है कि वहाँ पे जो हमारी वाइंडिंग है उसमें UVW का पॉइंट है, उस पर तीनों का रेजिस्टेंस सेम होता है। रेजिस्टेंस चेक करेंगे, 1.6, 1.8, 2, 2.2, इसके आसपास जो है वो रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस चेक करेंगे, सेम होना चाहिए तीनों पॉइंट्स का। ग्राउंड नहीं होना चाहिए हमारा सिस्टम, वाइंडिंग शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन दिखती है तब भी PC4 आ सकता है और हमको फिर कंप्रेसर को चेंज करना होगा। इसी तरह से रिएक्टर लगा रहता है, ट्रांसफार्मर सा लगा रहता है हमारे, अगर देखेंगे कंप्रेसर के लेफ्ट साइड में, इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, इसका रेजिस्टेंस भी 1.4, 1.6 से लेकर 2.8 तक इसका रेजिस्टेंस होता है ओम्स में। तो हम लोग रिएक्टर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, और अगर हमको ये कंडीशन कंटिन्यूस PC4 की दिखती है तो आउटडोर की PCB चेंज करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्रेसर भी डिफेक्टिव हो सकता है, आउटडोर की PCB भी डिफेक्टिव हो सकती है, लेकिन तुरंत कंप्रेसर को और आउटडोर की PCB को डिफेक्टिव नहीं शो करेंगे। पहले हम बेसिक चीज़ें चेक कर लेंगे। क्या क्या चेक किया, एक बार रिपीट करेंगे। वोल्टेज चेक किया, राइट लेफ्ट टॉप पे पता है हमको कि फेस न्यूट्रल और हमारा अर्थ का पॉइंट, अर्थ और न्यूट्रल में कोई सप्लाई नहीं होना चाहिए, कनेक्टिविटी पूरी होना चाहिए इनडोर से आउटडोर की। 4 तार होते हैं, एक फेस, एक न्यूट्रल, एक सिग्नल का वायर, एक अर्थ का वायर। तो ये चारों तार नीचे जैसे कनेक्ट है वैसे ही कलर वाइज ऊपर भी कनेक्ट होना चाहिए, आउटडोर में भी कनेक्ट हो जाइए। न्यूट्रल और सिग्नल में कंटिन्यूसली मूविंग DC वोल्टेज होता है, 6-7 वोल्ट से लेकर 18-20 वोल्ट तक आपको DC मिल सकता है। और फिर वही बात, अर्थ और न्यूट्रल में कोई सप्लाई नहीं दिखेगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।